हे गाइस, गुड मॉर्निंग। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। डॉली दे रही है पौधों को पानी। डॉली आप क्या? हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये देख, पांच दिखाइयो जरा, पांच फूल खुल गए हैं पूरे। हाँ। ये देखिए गाइस, अभी डॉली ने ये लिया है पौधा। कितना टाइम हो लिया? ये एक महीना हुआ है, एक महीना हुआ है लिए हुए, और ये पांच पांच गुलाब खिल गए इस पे। ठीक है, पानी दे दो, नहाने जा रही थी। हाँ, चलो। तो गाइस, ये पौधा जो हमारे घर में है, ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे गणेश महाराज जी का पौधा है, बेजल लीव का। हमारे घर पे गणपति जी आते हैं, हमने जो 2 साल से विसर्जन हम घर पे ही कर रहे हैं, जो उनकी मिट्टी में नीचे बैठ जाती है ड्रम के अंदर, तो उसमें हम डाल के ये पौधा उगा देते हैं। ये हमारे गणेश महाराज जी का पौधा है, बेजल लीव लगे हुए हैं। इसमें बेजल लीव भी है, देखो कड़ी पत्ता भी है, और ये खरबूजा के वो भी आ रहे फूल, देखो खरबूजे के फूल भी आ रहे हैं। ये जो बेजल लीव है। गुड आफ्टरनून, तो आज मैं उठा हूँ लेट, और पापा ने पहले व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और आप देख रहे होंगे मम्मा के चेहरे में इतनी ज्यादा खुशी क्यों है, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी क्यों खुश हो रही डाली इतना? और यू बताऊंगी थोड़ी देर बाद आपको। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप सबको पता है, आप आपको साथ ही लेके चलती हूँ ना, आपको ही लेके जाऊंगी मैं। तो चले चलो। तो गाइस, हम आ गए हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको ले गए। ये लिफ्ट है? हाँ, ये लिफ्ट है, लिफ्ट भी लगी हुई है। ये फर्स्ट फ्लोर है, एंट्री है। टीवी लगाना, टीवी लगाने के लिए। ये किचन, ये किचन बनी हुई है, चिमनी लगा हुआ है इसमें। वो तो है नहीं है अंदर, एक्सेसरी वाला जो ड्रॉज है, जो एक्सेसरी चैनल वाली, वो एना छड़ी है ना, इंजन छड़ी है एडिशन की। सर, उसको तो लिफ्ट कंपलसरी है। आप इस फ्लोर पे रहते हो, आपका मन करे यूज करो, ना मन करे रिपेयरिंग में मत पैसा। पूरी बालकनी देख ले, बालकनी दिखा, देख ले डॉल, ये पूरी बालकनी है, ये काफी बड़ी बालकनी है। तो गाइस, ये आ गए हैं दूसरे वाला फ्लोर देखने के लिए। ओ, 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 ओ। डॉली कितना प्यारा लग रहा है यार, ये है ना, ये ऐसे, ये सारी चीजें खान सब साथ में मिलेंगी, सारी चीजें साथ नहीं है, है? के साथ क्या आ गया? ये लिफ्ट आ गई, लिफ्ट अभी बन रही है, काम हो रहा है। और खान साहब, बाकी बताओ मुझे आप एक बार, और देखा पूरा व्हाट्सएप आया हुआ है मेरे पास। ये देख, अच्छा, ये बेडरूम बना है, ये सारी चीजें साथ में आएंगी। अलमारी खोल के देख, अलमारी खोल के देख ले, कवर सब में बने हुए हैं, सब में कवर मिलेगा आपको। एक रूम ये है, और दूसरा ये वर्लपूल का फ्रिज है। ये किचन डॉली मॉडर्न किचन है यार, ये टोटली मॉडर्न है। अच्छा, ये फुल मॉडर्न है आपकी, आधी से ज्यादा जिंदगी तो इनकी किचन में घुस। ये होम है, ये पेंट्री है, ये होम है, जिस कमरे में जैसा बेड है और वैसे ही इसके वो है। ये बालकनी है, ये पूरा बालकनी का एरिया है। यहाँ पर ये वॉशिंग एरिया आ गया बाहर, 2 सेपरेट एसी लगे हुए हैं। ये दूसरा कमरा, ये दूसरा कमरा, एंट्री यहाँ से करते हैं। एक बार करो खान साहब, एंट्री करो आप, दोनों तरफ से एंट्री जाओ। ये कितना प्यारा झूमर लगा हुआ है ऊपर, ये सीनरी है। ये स्वास्तिक जी बैठ गए आप यहाँ पर, फ्रूट हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत प्यारा है। हाँ, एक ये भी है डॉली कमरा, इससे अटैच भी बाथरूम है, इसमें भी एसी लगा हुआ है, ये देख ले। सब में एसी लगे हैं, इसमें ज्यादातर देखो ना, जैसे जैसे मतलब बेड है वैसे ही कबर्ड है, कबर्ड है पूरा। काकू खोलियो, वॉशरूम खोलियो, शॉवर वगैरह, वॉशरूम वगैरह सब बना हुआ है। शॉवर भी कर सकते हो आप, देखो अलमारी में, अलमारी में पूरी लाइटिंग हो रखी है दोनों साइड ही, सब चीज नजर आने के लिए है ना, बहुत सुंदर। ये बेड वगैरह सारे अटैच है, साथ में मिलेंगे, साथ में मिलेंगे अगर आप लोगे तो ना। ये है 110 का, अच्छा, ये 4+1 है, वो है ये डाइनिंग एरिया सारा, ड्राइंग रूम एरिया, क्योंकि छोटे स्पेस होते हैं ना, तो आराम से ना हो इधर काम कर लो। ये एक रूम आ गया, एक रूम ये वाला भी है। अच्छा, ये बाहर का सारा आ गया, ये बालकनी आ गई बाहर, एक गेस्ट रूम। ये जो चीजें बनी है ना, बहुत प्यारा बना हुआ है, देखो इसकी लुक ही अलग है।
पसंद लगा है मैडम, हर चीज को हर चीज का पैसे का भी वो होता है ना हर चीज का। एक ये भी है डॉली, ये देख ले, एक रूम ये आ गया। सोचो ये यहाँ पे ऐसा है तो बाहर की थोड़ा चले जा तो और कितने बड़े। हाँ एसी देख ले, बेटे एक मिनट, इन्वर्टर का नाम है, अच्छा इन्वर्टर जो बना रहे उसका नाम है ये देख पूरा ड्रेसिंग है ये डॉली खोलियो, वही लाइटिंग वाली है। कबड़ सब में बने हुए हैं, सब में कबड़ बने हुए हैं और ऊपर का एरिया देखेगा पंखा वगैरह सारा, सारी चीजें अपनी जगह बहुत प्यारी है। ये देखो इतना प्यारा है, आपका ड्रेसिंग रूम हो गया, इसमें सारा मेकअप का सामान वगैरह आ जाएगा, चीजें आ जाएगी। अब तैयार हो निकलो, तू अपना पहले देख, सही है तैयार होके निकलो। सबसे पहले वही तो और क्या चीज है। हां सबसे पहले इसको कहते हैं किचन, हां लेडीज लेडीज इसका इसका किचन गाइस कितना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा थोड़ा सिस्टम मेरे को स्वास्थ्य, कितना बड़ा किचन, सही डिश बनेगी ना इसमें। ये 90 गज में है, वो 110 गज में था, ये 90 गज में है। वाह यार किचन कितना प्यारा है, किचन की वो देखियो बास्केट देखियो, अंदर कोल की टोकरियां लगी हुई है अंदर, सब कंप्लीट है, ये चिमनी है वो है, बिल्कुल टोकरी वाली है। अच्छा अब स्टील के बजाय ये वाले आ गए, प्लास्टिक के आ गए सारे। हां वो घड़ी लगी है, ये घड़ी लग गई, एंटीक घड़ी लगी हुई है। ये फ्रिज मिलेगा इतना बड़ा, ये कितने लीटर का फ्रिज है, ये है 200 वाली दिखाइयो खोल के, 375 लीटर का है, 375 लीटर का फ्रिज है। ये हम देख के तो आए थे, 2 लाख का फ्रिज है, एक डॉली एक ये देख, ये रूम है, ये अटैच बाथरूम है, ये अलमेरी आ गई है, इसकी लुक कुछ अलग है बिल्कुल, उसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है। वो ये 90 गज का है, वो 110 गज का है। ये देखो ये वॉशरूम है, वॉशरूम बना हुआ है, ये मेरे घर से लैपटॉप वगैरह, ये लैपटॉप वगैरह बना काम करने के लिए, ये बच्चों का, बच्चों के काकू किड्स रूम है ये तेरा, मेरे लिए ये फ्री रूम तो दोनों फ्रंट है, मतलब हम तो इसलिए बता रहे हैं कि वो 110 गज है, ये 90 गज है, तो वो फ्रंट हुआ, ये बैक हुआ। हां भाई ले लो आपका, अगर इसमें सूट करता है तो इसमें देखो गली दोनों चौड़ी है, बजट के हिसाब से देखेंगे ना हम अपने हिसाब से। मुझे तो उससे भी फिर बढ़िया अच्छा लगा जो देख रहा था, बोला गली इससे भी बढ़िया फिर लोकेशन अपने, हां उसके ये फिर एरिया, इसका एरिया ज्यादा है, ये बालकनी है डॉली, कितना अच्छी बालकनी देखिए, बालकनी डॉली काको, ये देख बालकनी में बहुत अच्छा बना हुआ है पूरा, ये निकलोगे आप अपने घर पहुंच जाओगे यहाँ से, आराम से बैठ के चाय पियो यहाँ पर बाहर, बारिश में चाय पकौड़े का मजा लीजिए, बारिश में चाय पकौड़े का मजा लो यहाँ पर, यही आराम से वॉशिंग मशीन आराम से लग जाएगी, बाहर वॉशिंग एरिया आ जाएगा, आराम से बैठ के चाय पियो और वॉश करते रहो यहाँ पर। चलो फिर चले देखें, और ये देख वॉशरूम के अंदर वॉशरूम बड़ा प्यारा बना हुआ है यहाँ पे, अच्छा है अमेरिका इंग्लैंड सब यही पे है। अनुज के ब्रदर ने लगाया था, पास मंगवाया था अपना जो नहाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, वो लगवाया था ना यहाँ पे। देखते देखते हमें लगती है बहुत गर्मी फेवरेट पेट को शांति मिलेगी, आज बनाएगा, आज गन्ने का रस नहीं बनाएगा ये नहीं, आज नहीं ये आप इसके, आप इसके फेवरेट हो ना डॉली। हाँ जी, हाँ कुछ हुआ डिसाइड मकान का? हाँ एक्चुअली सार्थक ने गया हुआ था तो उसके घर में उसे यही बात कर रही थी अभी कि सार्थक हमने मकान देखने के लिए गए थे तो था नहीं, अंकल ने बोल दिया था कि जल्दी जल्दी आओ, तो यही पूछ रही थी अब हम क्या करें। अब कौन सा तेरे को वैसे कौन सा पसंद आया? मेरे को तो वो भाई जिसकी किचन एरिया बहुत अच्छा है कि 90 गज वाला वो पसंद है, और दूसरा 100 नहीं तूने तो देखा ही नहीं, तू चल पड़ी हो ना देखने के लिए, तू गया हुआ था बेटे दोस्त के साथ गया हुआ था कोचिंग, तो मैं क्या करूँ यार, हमारी तो जॉइंट फैमिली तो तुम्हें पता ही है, रहना यही अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में, पर यही है कि बंदा सोचता है ना कि आगे फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ, हम तुम्हारे लिए ले रहे हैं, हमने रहना तो जॉइंट फैमिली में है, इसीलिए बंदा सोचता है कि चल मेरे साथ हमारी शादी हो जाएगी, हां अरे शादियों के धक्के 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 मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दे, ललिता भाभी ऐसे करेंगे, ललिता भाभी और सोनी भाभी को भी दिखा के ना, उनको दिखा के ना, हाँ वो बड़े हैं ना, ललिता भाभी और सोनी भाभी को दिखा के फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस वक्त है आपको प्यारे भाई कमेंट पढ़ने का, शालू जी ने लिखा है कि आपके ब्लॉग देखकर मेरे फेस पे हैप्पीनेस आ जाती है, थैंक यू। और वाईएमपीजी फूड ने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, रजनी सिंगल जी ने कहा है
कि काश काकू जैसा मेरा बेटा होता है। काकू तो आपका ही बेटा है। काकू आपका ही बेटा है। रेनू जी ने कहा कि आपकी मम्मी बहुत प्यारी हैं और तुलसियानी जी ने हमारे ब्लॉग को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। ज्योति भाटिया जी हैं जो वो भी हमारे ब्लॉग रोज देखती हैं और रोज मैसेज करते हैं, तो शुक्रिया। तो गाइस आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लाल बटन है उसको ठोक ठोक के ग्रे कर दे। कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।